Hi, welcome to Agri Classroom. This is the second part of the human circulatory system. तो पहले पार्ट में जो हमने जो है ना जो हार्ट की एनाटॉमी है वो डिस्कस की थी, तो अभी जो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आज हम जो है ना कार्डियक मसल्स की पहले बात करेंगे, देन इसी वीडियो में हम जो है ना देख लेंगे कि हाउ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन केस ऑफ द एसए नोड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्डियक मसल. क्योंकि अगर मैं कार्डियक मसल की बात करूँ तो इसमें हमें जो है ना तीन मसल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा. द फर्स्ट वन इज दैट्स कॉल्ड द एट्रियल सिंसाइशियम. द एट्रियल सिंसाइशियम. और जो सेकेंड होगा दैट इज द वेंट्रिक्यूलर सिंसाइशियम. वेंट्रिक्यूलर सिंसाइशियम. एंड द थर्ड वन इज दैट्स कॉल्ड इज द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स. स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स. देखिए, इसको मैं समझाने से पहले पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बता दूं कि जो एट्रियल सिंसाइशियम है, वेंट्रिकुलर सिंसाइशियम है, रिमेंबर दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल. कॉन्ट्रैक्टाइल यानी दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. बट ये जो स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स है दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल. दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. बट ये जो कार्डिक स्पेशलाइज कार्डिक मसल्स है दे कैन जनरेट देयर ओन रिदम और ओन एक्शन पोटेंशियल. बट जो एट्रियल सिंसाइशियम है, वेंट्रिकुलर सिंसाइशियम है, दे कैन ऑल्सो जनरेट द एक्शन पोटेंशियल. बट वंस दे गेट द स्टिमुलस, अगर उनको स्टिमुलस मिलेगा देन दे कैन जनरेट द एक्शन पोटेंशियल. बट जो स्पेशलाइज कार्डिक मसल्स है जिसमें हम जो है ना एसए नोड एवी नोड ये डिस्कस करेंगे, तो उनके केस में क्या होता है कि स्टिमुलेशन की जरूरत होती नहीं है जनरली. ठीक है ना, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि वहां पे जो है ना दे आर जनरेटिंग दे आर एक्शन पोटेंशियल ओन एक्शन पोटेंशियल विदाउट द स्टिमुलस. तो यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा व्हेन देयर इज स्टिमुलस. सो दे कैन जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विद स्टिमुलेशन. विद स्टिमुलेशन. अब इसमें यही है कि एट्रियल सिंसाइशियम क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिंसाइशियम क्या. सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि सिंसाइशियम क्या है. सो दिस इज द सेल. कि एक सेल ले ली मैंने, दिस इज सेल वन, और यहाँ पे मैं एक दूसरी सेल लेता हूँ दैट सेल टू. अब ये दोनों सेल जो है ना सेपरेट है. ठीक है ना, हो सकता है कि ये जो दो सेल्स है मान लो इस तरह से फ्यूज हो गए. ठीक है ना, सो जब ये फ्यूज हो जाएंगे दो सेल्स, ठीक है ना, और फ्यूज होने के बाद यानी इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मिल रहे, फ्यूज होने के बाद दे विल फॉर्म अ जंक्शन बिटवीन देम, जिसके थ्रू इनके जो मटेरियल्स है वो एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के साथ. तो ये जो जंक्शन है बीच में, इसे हम कहते हैं गैप जंक्शन. गैप जंक्शन. तो डेट मीन्स जब दो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे मिलेंगे सच डेट दे विल फॉर्म अ गैप जंक्शन बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड इज अ सिंसाइशियम. ठीक है, तो इस गैप जंक्शन के थ्रू क्या होगा, जो ये सेल्स है दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे कैन एक्सचेंज देयर मटेरियल, दे कैन एक्सचेंज देयर आयंस. तो यहाँ पे इस चीज को हम बोलते हैं सिंसाइशियम. तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप पूरे एट्रिया में देखोगे तो जो आपको वहां पे सेल्स मिलेंगे तो वो सेल जो है ना कुछ इस तरह से होंगे. वो सेल जो है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बिल्कुल फ्यूज होंगे और उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में इस तरह से गैप जंक्शन होंगे. These are the gap junctions. ठीक है, तो इस तरह से सारे सेल जो है ना they will be fused with each other or with the formation of these gap junctions. अब इससे क्या होगा, देखिए इससे ये होगा कि मान लो अगर इस सेल में, सेल नंबर वन में कोई करंट जनरेट हुआ, सो वो करंट जो है ना इस सेल में पास होगा, इस सेल में पास होगा. ठीक है ना, एंड इट विल बी कंटिन्यूस, ताकि ये जो करंट है सारी जो एट्रिया में जो है ना फैल सकता है. ठीक है, इसी तरह तो दिस इज द एट्रिया. ये मैंने एट्रिया की बात की थी. तो इसी तरह अगर आप वेंट्रिकल्स में देखोगे तो बिल्कुल वहां पे भी आपको सेल जो है ना इसी तरह मिलेंगे. सो वी कॉल दैट एज द वेंट्रिक्युलर सिंसाइशियम. तो वहां पे भी जो सेल्स है वो एक दूसरे से मिले होंगे, यानी उनके सेल मेम्ब्रेन जो है ना दे आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म द गैप जंक्शंस बिटवीन देम. सो वी कॉल दिस एज द वेंट्रिक्युलर सिंसाइशियम. सो एक एट्रियल सिंसाइशियम है, दूसरा वेंट्रिक्युलर सिंसाइशियम. ठीक है, इसका एडवांटेज भी मैंने बता दिया. Now the third one is that is specialized cardiac muscles. तो जो specialized cardiac muscles है, अब देखिए जैसे मैंने अभी कहा जो atrial
सिंसाइशियम में, यानी जो एट्रिया के सेल्स है या वेंट्रिकल के सेल्स है, दे कैन जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, बट उन्हें स्टिमुलेशन की जरूरत है. और स्टिमुलेशन जो उनको प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेंगे स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स, ठीक है ना, क्योंकि इनको स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है, दे कैन जनरेट देयर ओन पोटेंशियल. तो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल में जो हम डिस्कस करेंगे, नंबर वन दैट इज द एस ए नोड. एस ए नोड, देखिए एस ए नोड का जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड एज द साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट. पेसमेकर ऑफ हार्ट, मैं अभी बता दूंगा क्यों बोलेंगे हम इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट. देखिए जो साइनोएट्रियल नोड है, सबसे पहले इट इज लोकेटेड और इट इज प्रेजेंट इन राइट एट्रिया, ठीक है. और अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो देन दैट इज द सुपीरियर, और वी कैन से लेटरल टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा. लेटरल टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, यानी जो सुपीरियर वेना कावा है बिल्कुल उसकी ओपनिंग के नजदीक आपको मिलेगा कौन, द साइनो एट्रियल नोड, दैट्स एसए नोड, जिसे हम पेसमेकर भी कहते हैं. क्योंकि जब एसए नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, सो दैट विल बी इक्वल टू 70 to 75 times per minute. और यही हमारी हार्ट बीट भी होती है, हमारी नॉर्मल हार्ट बीट जो है दैट 70 to 75 times per minute और 72 times per minute. तो दैट मीन जो हमारी हार्ट बीट है दैट इज बिकॉज ऑफ द एसए नोड, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट द पेसमेकर ऑफ द हार्ट. नंबर सेकंड, इसके बाद जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट्स एवी नोड. एवी नोड, अब एवी नोड की अगर मैं बात करूं तो एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, ठीक है. लेकिन ये नोड जो है ना, जो एवी नोड, ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, इट्स प्रेजेंट इन राइट एट्रिया. ये राइट एट्रिया में भी प्रेजेंट होगा, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट विल बी एग्जैक्टली नियर टू इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी वो सेप्टम जो दो एट्रिया को सेपरेट करता है, तो उसके नजदीक ही आपको मिलेगा एवी नोड, ठीक है. अब अगर देखा जाए जो एवी नोड है, जो एसए नोड है, इट इज कनेक्टेड टू द एवी नोड डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ द नोडल फाइबर्स, और वी कॉल देम एज इंटर नोडल फाइबर्स. तो ये इंटर नोडल फाइबर्स है, ये ऐसे फाइबर्स है जो ऐसे नोड को एवी नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे. और इसमें आपको जो है ना तीन इंटर नोडल फाइबर्स देखने को मिलेंगे. द फर्स्ट वन ये जो पोस्टीरियर साइड से मिलेगा, ये मैं अभी डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा, पोस्टीरियर साइड से, और जिसे हम कहते हैं थॉरिल, ठीक है. और सेकेंड जो है दैट इज द मिडल वन, जिसको हम बोलते हैं वेन के बैक, इट्स वन के बैक्स बंडल, ठीक है. नाउ द थर्ड दैट इज द इंटीरियर वन, यानी जो इंटीरियर साइड से आपको मिलेगा, ठीक है, तो इंटीरियर साइड से जो आपको मिलेगा उसे हम कहते हैं बैकमैन बंडल. खराबी लग रही है इसमें, ठीक है. तो दैट्स कॉल्ड इज द बैकमैन्स बंडल, ओके, इट्स ओके. तो तीन इंटरनोडल फाइबर जो है डिस्कस करेंगे, दैट्स अ पोस्टीरियर, ए मिडिल एंड द इंटीरियर वन, ठीक है ना. उसके बाद जो एवी नोड है, देखिए एवी नोड से जो करंट है, सिग्नल है, वो वेंट्रिकल्स को जाएगा, और वेंट्रिकल्स को किसके थ्रू जाएगा, दैट्स कॉल्ड इज द बंडल ऑफ हिस, और इसी को हम एवी बंडल भी कहते हैं. So now then it comes bundle of his. So bundle of his, या जिसे मैं कहूंगा देर इज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द एवी बंडल. इसको हम एवी बंडल भी कहते हैं, ठीक है.
जो बंडल ऑफ हिस्स है या एवी बंडल है, इसके दो ब्रांचेस निकलेंगे आगे. सो वन इज कॉल्ड इज द राइट बंडल ब्रांच, द राइट बंडल ब्रांच, और द सेकंड इज कॉल्ड इज द लेफ्ट बंडल ब्रांच. ठीक है, और जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना, दे विल गिव राइज टू द पुरकंजी फाइबर्स. यहां से आपको मिलेगी पुरकंजी फाइबर्स. तो इस तरह से जो ये सारे स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से जुड़े होंगे. लेट्स सी डायग्रामेटिकली कि कैसे जुड़े और कैसे फंक्शन करेंगे, हाउ दे आर कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर. तो अगर मैं यहाँ पे एक हार्ट का डायग्राम बना दूं, ठीक है, कुछ इस तरह से हम डायग्राम बना देंगे. सो दिस इज द एट्रियल पोर्शन. नाउ दिस इज ओके. नाउ दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे नोड मिलेगा, दिस इज समहाउ हियर ऐसे नोड. ठीक है, तो ऐसे नोड से जब करंट जनरेट होगा तो वो यहाँ पे एवी नोड प्रेजेंट होगा, तो उसको मिलेगा दिस इज द एवी नोड. तो ये करंट जो यहाँ से एवी नोड की तरफ आएगा वो इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू आएगा, और ये जो है दिस इज द पोस्टीरियर वन, दिस इज कॉल्ड इज अ थॉरल. ठीक है, और जो मिडल वन है जिसको मैंने बोला वेन की बैग्स बोलते हैं, और इंटीरियर वन है जिसको हम बैकमैन बंडल बोलते हैं, और इस इंटीरियर का जो है एक ब्रांच जो है इस तरह से राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया की तरफ जाएगा. ठीक है, अब करंट यहाँ से एवी नोड तक जा गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल है ना, दे आर सेपरेटेड बाय द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा. तो यहाँ पे आगे करंट लेने को इस तरह से इस इंटर ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो इसके थ्रू पास होते हुए यहाँ पे एक जो है ना मसल फाइबर पास होगा, जिसे हम कहते हैं एवी बंडल, या जिसको मैंने अभी कहा बंडल ऑफ हिस भी बोलते. ठीक है, तो ये जो एवी बंडल है आगे जाके एक राइट बंडल ब्रांच देगा और लेफ्ट बंडल ब्रांच देगा. ठीक है, सो दिस इज द राइट बंडल ब्रांच जो राइट साइड में जाएगा, और लेफ्ट बंडल ब्रांच जो लेफ्ट साइड में ही जाएगा. ठीक है, और इस लेफ्ट और इस राइट से आगे जाके इस तरह से कुछ टेंडन लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे या डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, और जिसे हम कहते हैं पुरकंजी फाइबर्स. तो इनको हम बोलते हैं पुरकंजी फाइबर्स. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से ये डिफरेंट फाइबर्स जो है ना क्या प्रेजेंट होंगे. ठीक है, देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि ऐसे नोड से लेकर एवी नोड तक जो करंट को जाने का टाइम लगता है दैट इज 0.03 सेकेंड. इट विल टेक 0.03 सेकेंड. ठीक है, और फिर एवी नोड से एवी बंडल तक करंट जाने में डिले होता है. ठीक है ना, यानी एवी नोड से जो करंट एवी बंडल में जाता है यहाँ पे डिले होता है, और डिले जो यहाँ पे होता है दैट इज 0.09 सेकेंड. दैट इज 0.09 सेकेंड. तो 0.09 सेकेंड का यहाँ पे डिले होगा. ठीक है, उसके बाद जो एवी बंडल है, जब एवी बंडल से करंट लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में जाएगा तो यहाँ पे भी डिले होता है. ठीक है ना, और यहाँ पे जो डिले होता है डेट इज 0.04 सेकेंड. ठीक है ना, डेट मीन्स टू टाइम्स देर इज डिले. और जो डेट मीन्स टोटल डिले जो यहाँ पे है, जो टोटल डिले है, टोटल डिले जो है डेट इज 0.13 सेकेंड का, अगर आप देखोगे 0.13 सेकेंड. और ये जो टाइम है ना, दिस इज द टाइम फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल सिस्टोल. इसका मतलब ये हुआ, ये डिले इसलिए हो रहा है ताकि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करे और उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है ना, लेकिन अब केस ये है कि यहाँ पे डिले होता क्यों, व्हाट्स द रीजन फॉर डिले. ठीक है ना, देखिए रीजन फॉर डिले इज, ठीक है, जैसे डिले तो सुना होगा आपने, बट रीजन लेट्स सी रीजन क्या है. द रीजन फॉर दिस डिले, देखिए इस डिले का रीजन ये है कि जब एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में करंट जाता है या बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट बंडल ब्रांच या राइट बंडल ब्रांच में जाता है तो इस रीजन में क्या होता है, देयर इज अ लेस नंबर ऑफ गैप जंक्शंस.
लेस गैप जंक्शंस, यानी इस रीजन में जो गैप जंक्शन है उसका नंबर जो है ना बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से करंट का फ्लो जो है ना वो बहुत ही स्लो होता है, और इसलिए यहाँ पे डिले जो है ना 0.13 सेकंड का होता है। सो दैट्स अ टोटल डिले इन द केस ऑफ एवी नोड एंड द बंडल, आई मीन लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड द राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, देखिए अब इसमें ध्यान रखने को, दैट मीन्स हमें पहले ये पता चला कि एट्रिया जो है ना दैट विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, ठीक है ना, देन द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जो है ना बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले एट्रिया। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा कि एट्रिया में भी पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इज इट लेफ्ट एट्रिया और द राइट एट्रिया, ठीक है ना। तो याद रखना होगा आपका जो राइट एट्रिया है ना दैट विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फर्स्ट देन द लेफ्ट एट्रिया। बट इसमें उतना टाइम गैप नहीं है, ठीक है, टाइम गैप नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट राइट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट देन एज कम्पेयर टू लेफ्ट एट्रिया, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट द कि कार्डियक मसल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखिए अब जो हमें एक्शन पोटेंशियल देखना है कि हाउ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, बट फॉर दैट हमें कुछ चीजों को यहाँ पे ना समझना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं मान लू यहाँ पे एक सेल बना दू, तो ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे बाहर मान लो कुछ आयंस हैं, जैसे कुछ कैटायंस है, कुछ एनायंस है, ठीक है, और जो ये कैटायंस हैं या एनायंस हैं दे आर नॉट परमेबल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी नॉर्मल कंडीशन में दे आर इम्परमेबल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यूजुअली क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनके लिए, यानी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, अगर हमें आयंस को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें चैनल्स की जरूरत पड़ती है। वो जो ये चैनल्स है हमारे पास, ये दो तरह के होते हैं, एक होती है लीकी चैनल्स, ठीक है ना, और कुछ चैनल्स होते हैं गेटेड। अब पहले मैं ये समझा दूं कि लीकी चैनल और गेटेड चैनल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई चैनल बना दी, ठीक है ना, इट्स विदाउट एनी गेट, इसका कोई गेट नहीं, तो दैट मीन्स इट इज ऑलवेज ओपन, ठीक है। तो लेकिन कुछ चैनल जो ना वो गेटेड होंगे, गेटेड चैनल मान लो इस तरह से, इसका एक गेट इधर से होगा, एक गेट इधर से होगा, तो इसका जो गेट ओपन एंड क्लोज है ना वो किसी चीज पे डिपेंड करेगा, किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मान लीजिए वोल्टेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, या मान लो कभी किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो डेट मीन जो गेटेड चैनल्स हैं इसमें बहुत सारी चैनल्स आती है, जैसे मैकेनिकल गेटेड चैनल्स, लेगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है ना, और एक हमारी होती है जो हमारे इंटरेस्ट की है, दैट इज VGIC, दैट्स वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। सो दिस इज वोल्टेज गेटेड। तो जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, दिस इज ऑफ माई कंसर्न, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे काम आ जाएगी, ठीक है। तो जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है ये आपको फॉर ऑल आयन्स मिलेगा, हर किसी आयन के लिए मिलेगी, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम, तो फॉर ऑल आयन्स सेपरेटली हर आयन के लिए अपनी एक VGIC आपको मिलेगी, ठीक है। और लीकी चैनल्स भी हर किसी आयन के लिए अवेलेबल, ठीक है ना। अब डिफरेंट सेल में डिफरेंट क्वांटिटी होती है या डिफरेंट जो है ना नंबर होता है लीकी चैनल्स का, ठीक है। तो जनरली जो हम लीकी चैनल्स की आज हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। तो दैट मीन जो आयन्स को ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होगा, चैनल्स के थ्रू होगा। और चैनल्स हमारे दो तरह के होते हैं, लीकी चैनल्स और गेटेड चैनल्स। और गेटेड चैनल्स में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस जो करी, दैट इज VGIC, दैट्स अ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। अब देखिए जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, यानी इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है इसकी, दैट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज डिफरेंस, इट विल डिपेंड अपॉन वोल्टेज डिफरेंस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कितना वोल्टेज का डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि VGIC जो है ना ओपन होगी या क्लोज होगी, ठीक है। और आपको याद रखना होगा हर VGIC का अपना एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है जहां पे वो ओपन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सोडियम VGIC है, सपोज मान लेते हैं किसी सेल में ये
-55 मिली वोल्ट पे ओपन होगी। तो उस सेल में ये पर्टिकुलर एक वोल्टेज है जहां पे सोडियम की VGIC जो ओपन होगी, और जिस सेल में -55 जो है ना सोडियम के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, ठीक है ना, इस वोल्टेज पे कोई दूसरी VGIC जो है ना ओपन जनरली नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसको आगे लेते हैं। अब देखिए, जो हमने ये VGIC ऑल दैट समझा कि आयंस के लिए मोमेंट के लिए जो है ना कुछ लीकी चैनल्स की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो तीन टर्म्स जो है ना इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो है ना पर्टिकुलर एक छोटा सा यहाँ पे बना दूंगा, दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड। और जो मैं आउटसाइड और इनसाइड ले रहा हूँ, ये मैं एक सेल का ले रहा हूँ, दिस इज अ सेल, और ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए होगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए जब ये सेल जो है पर्टिकुलरली रेस्ट में होगी, यानी जब ये रेस्ट में होगी, मेटाबॉलिकली रेस्ट में होगी, तो उस साइड उस टाइम क्या होगा, जो इसके इनसाइड है, जो इसका इनसाइड है, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है, और जो इसका आउटसाइड है दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। जिसका इनसाइड है वो पूरा क्या होगा, नेगेटिव, और जो आउटसाइड है वो क्या होगा, पॉजिटिव। बट याद रखना, जो ये नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज ओनली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर आप डीप सेल में जाओगे वहां पे ऐसा नहीं होगा, इधर बाहर जाओगे वहां पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे रैंडम चार्ज होंगे। बट अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है ना, जो इनसाइड है दैट विल बी नेगेटिव, और जो आउटसाइड है दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो अंदर सारा नेगेटिव है, बाहर सारा पॉजिटिव है, तो इस चार्ज की डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल होगा। और मान लेते हैं ये पोटेंशियल जो है ना -60 मिली वोल्ट का है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है इस टाइम, यानी रेस्ट के टाइम, तो इसको हम बोलते हैं RMP, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं कभी, इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए मैंने यहां पे क्या किया कि यहां पे आउटसाइड से इनसाइड मैंने यहां पे कैटायंस को भेजा, यानी दैट मींस यहां पे कैटायंस का मोमेंट हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो जब आउटसाइड टू इनसाइड मोमेंट होगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो अंदर की चार्ज जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होने लगेगी, ठीक है ना, और जो बाहर की चार्ज है वो नेगेटिव होने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे अंदर की चार्ज जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव, और जो बाहर की चार्ज है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। फिर उसके बाद जब और भी कैटायन जो है ना वो अंदर मूव कर लेंगे, ठीक है, तो कैटायन जब मूव कर लेंगे तो फिर क्या होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आउटसाइड में सारी चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और अंदर की जो चार्ज है वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन वो स्टेट है जब अंदर का सारा पॉजिटिव होगा और बाहर का सारा नेगेटिव होगा। तो डिपोलराइजेशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट इज द रिवर्स ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए जब मैंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात की तो मैंने जो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू लिया था दैट्स -60, और जब ये डिपोलराइज हुआ तो मान लीजिए इस टाइम जो वैल्यू है दैट इज +10 मिली वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। अब जब यहाँ पे मैं फर्दर क्या कर लूंगा, देखिए क्या कर लूंगा, मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो डिपोलराइज्ड स्टेट मिला वो कैसे मिला कि कैटायन जो ना उनका मोमेंट कहाँ की तरफ हुआ, अंदर की तरफ, ठीक है। नाउ दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, ठीक है। अब मान लीजिए जब ये डिपोलराइज्ड स्टेट में है सेल, तो मैं क्या करूँगा, अंदर से बाहर जो है ना कैटायंस को भेजूंगा। यानी इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, जो कैटायंस अंदर थे उनको मैं बाहर ले रहा हूँ, यानी रिवर्स कर रहा हूँ। तो जब मैं रिवर्स कर रहा हूं तो इस डिपोलराइजेशन का रिवर्स होगा, यानी जो बाहर का है फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना, और जो अंदर का है वो सारा नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस ये जो है ना बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे पहुंचा, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसा वैल्यू पहुंच गया,
दैट मीन्स इसका जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा -60 mV होगा, और इसको हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो डिपोलराइजेशन से आपको फिर से पोलराइज्ड स्टेट मिला, इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन, वी कॉल इट एज रीपोलराइजेशन, यानी दोबारा पोलराइज्ड स्टेट मिली। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रिपीट कर कि पहले मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो इनसाइड था दैट वाज कंप्लीटली नेगेटिव, जो आउटसाइड था दैट वाज कंप्लीटली पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आयन्स है, कैटायन्स है, उनका मोमेंट यहाँ पे हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अंदर की सारी पॉजिटिव एक टाइम पे पॉजिटिव, अंदर की सारी चार्ज एक टाइम पे पॉजिटिव बनेगी और बाहर की सारी नेगेटिव बनेगी, तो इसको हम डिपोलराइजेशन बोलते हैं। ये इसका जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। और फिर अगर डिपोलराइजेशन का रिवर्स होगा, यानी कैटायन्स का मोमेंट जो है ना इनसाइड टू आउटसाइड होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो बाहर की सारी चार्ज है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जो अंदर की सारी चार्ज है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए मैं ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ से फिर से ले रहा हूँ, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमें पता है कि जो इनसाइड है दैट इज नेगेटिव और जो आउटसाइड है दैट इज पॉजिटिव। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इनसाइड टू आउटसाइड जो है ना कैटायन्स मूव कर लेंगे। ठीक है, देखिए इनसाइड जो है ना अभी नेगेटिव है और अंदर से पॉजिटिव चार्ज और बाहर आ रहे हैं, दैट मीन जो इनसाइड है जो नेगेटिव है वो और नेगेटिव हो जाएगा। यानी मान लो अगर इसका पोटेंशियल जो है ना -60 mV है और ये RMP है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम अगर कैटायन जो है ना उनका मोमेंट हो रहा है इनसाइड टू आउटसाइड, यानी अंदर का जो नेगेटिव है वो और नेगेटिव बन रहा है, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है ना वो और नेगेटिव हो जाएगा। मान लो -90 mV हो गया, ठीक है ना, तो अंदर का चार्ज जो है ना और नेगेटिव हुआ और बाहर का चार्ज जो है ना और पॉजिटिव होगा, तो इस केस को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो आई होप ये सारी टर्म्स जो है ना यहाँ पे आपको क्लियर। ठीक है, अब इसमें जो एक क्लियर टर्म रहती है दैट इज द थ्रेशहोल्ड। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि जब आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से डिपोलराइजेशन तक जाओ, तो पहले क्या होगा जब कैटायन्स मूव कर लेंगे तो धीरे 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 अंदर की चार्ज जो है ना वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए लास्ट तक, मान लीजिए यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से हम समझेंगे इसको कि अंदर जो है 10 चार्ज है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, चलो मान लो 5 चार्ज है अंदर। ठीक है, तो जब कैटायन्स का मोमेंट अंदर की तरफ होगा पहले ये चार्ज पॉजिटिव बन जाएगी, फिर ये। ठीक है ना, जब लास्ट चार्ज पॉजिटिव बनेगी तभी हम इसको बोलेंगे डिपोलराइजेशन। ठीक है ना, दैट मीन जो लास्ट वाला जो मतलब सेल को जो है ना डिपोलराइज्ड स्टेट में लेता है, ठीक है ना, दैट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज कॉल्ड द थ्रेशहोल्ड। ठीक है ना, तो हर किसी सेल का जो है ना एक पर्टिकुलर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है और एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड होता है। ठीक है ना, डिफरेंट सेल का डिफरेंट होता है, जैसे नर्व सेल का अलग है और यहाँ पे अगर हम SA नोड की बात करें यहाँ पे अलग होगा, और अगर हम फिर वेंट्रिकल सेल की बात करें वहां पे अलग मिलेगा। तो अगर मैं इसको सेल्यूलर लेवल पे देखूं इस तरह से सेल्यूलर लेवल पे, तो समझ लीजिए आप इसको, मान लीजिए ये सेल है और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, तो अंदर का सारा चार्ज जो है इस टाइम मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो नेगेटिव होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है अक्रॉस द मेम्ब्रेन दैट विल बी पॉजिटिव और इसका पोटेंशियल जो है अभी वह है -60 mV। ठीक है, और मान लीजिए अब कैटायन्स अंदर आने लगे, कैटायन्स मान लो सोडियम अंदर आने लगे, तो जब सोडियम अंदर आने लगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो सारी चार्ज है अंदर की वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो सारी चार्ज अंदर की पॉजिटिव हो जाएगी और पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो 10 mV पहुंच गया। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि मान लो अब यहां से जो है ना कैटायन्स बाहर निकलने लगे, मान लो पोटेशियम जो है ना बाहर निकलने लगा, तो जब पोटेशियम बाहर निकलेगा, ठीक है, तो जब पोटेंशियल बाहर निकलेगा यानी कैटायन बाहर निकलेगा तो अंदर की चार्ज जो है फिर से नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अंदर की चार्ज फिर से नेगेटिव हो जाएगी
और बाहर की चार्ज जो है ना फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस केस को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन, इसको हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन, यानी फिर से आपको पोलराइज्ड स्टेट मिलेगा और इसका जो पोटेंशियल है दैट्स अगेंस्ट -60। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा हाउ वो डिपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन एंड द रिपोलराइजेशन विल ऑक। ठीक है, अब देखिए जो ऐसे नोड है, अगर मैं ऐसे नोड की बात करूं, यानी पेस मेकर जो है, इसमें आपको पेस मेकर सेल्स मिलेंगे, यानी पी सेल्स मिलेंगे, और उन पी सेल्स में अगर मैं चैनल्स की बात करूं, यानी आयन चैनल्स की बात करूं, तो इसमें जो आयन चैनल्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको दोनों तरह की चैनल्स मिलेंगे, कुछ लीकी चैनल्स मिलेंगे, और जो यहाँ पे आपको लीकी चैनल्स मिलेंगे वो आपको पोटेशियम के लिए मिलेंगे और सोडियम के लिए मिलेंगे। और लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा जो पोटेशियम की लीकी चैनल्स है वो बहुत ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे अगर मैं VGIC की बात करूं, तो जो VGIC यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सोडियम VGIC मिलेगी, सोडियम VGIC जो कि बहुत ही स्लो होती है, और स्लो होती है और एक स्पेशल टाइप होती है, वो मैं अभी बता दूंगा कि स्पेशल क्यों होती है। और अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम VGIC की बात करूं, तो कैल्शियम VGIC की यहाँ पे दो टाइप होंगे, एक होती है टी टाइप, टी फॉर टेंजेंट, ठीक है ना, और सेकंड होती है यहाँ पे एल टाइप, दैट इज लॉन्ग लास्ट। ठीक है, देखिए जो टी टाइप की जो VGIC है वो -50 to -55 मिलीवोल्ट पे ओपन होती है, दे विल ओपन एट -50 to -55। देखिए जो सोडियम VGIC है, जिसको मैंने कहा ये स्लो चैनल होती है और स्पेशल होती है, इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये ओपन जो होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ही ओपन होती है, यानी जो ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होता है उसी टाइम ये ओपन हो जाती है। ठीक है, और जो ये एल टाइप है, जो एल टाइप है इट विल ओपन एट -40 मिलीवोल्ट। उसके बाद अगर हम पोटेशियम की बात करें, तो यहाँ पे पोटेशियम की VGIC भी मिलेगी आप, वो जो पोटेशियम की VGIC है दैट विल ओपन एट +10 मिलीवोल्ट, तो +10 मिलीवोल्ट पे ओपन होगा। ठीक है, तो दिस इज द आयन चैनल्स दैट विल वर्क इन द पी चैनल, पी सेल। ठीक है, अब देखिए मैं अगर आपको ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल का एक ब्रीफ सा आइडिया दे दूं, ठीक है, तो आपको इस तरह से समझना होगा, तो ये हमारे पी सेल है, और जो ये पी सेल है अभी रेस्ट में है, तो इसका जो इनसाइड है दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, और हम इसको बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो होता है -60 मिलीवोल्ट, यानी अंदर का सारा नेगेटिव होगा और बाहर का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है यहाँ पे, इट इज ड्यू टू लीकी चैनल्स, ये किसकी वजह से, लीकी चैनल्स की वजह से। यानी मान लो अगर ये पी सेल है यहाँ पे, पी सेल, अभी मान लो अंदर जो है ना रैंडम चार्ज है +/-++-, ठीक है, तो जो लीकी चैनल्स होती है, मैंने जैसे कहा था कि पोटेशियम की लीकी चैनल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो यहाँ पे क्या होगा कि पोटेशियम लीकी चैनल जो है, पोटेशियम लीकी चैनल, उसके थ्रू पोटेशियम जो बाहर आया, तो डेट मीन्स कैटायन बाहर आ रहा है, जब कैटायन बाहर आ रहा है तो अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा और बाहर जो है ना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दैट्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बट इसमें अभी आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने अभी कहा आपको सिर्फ पोटेशियम की लीकी चैनल नहीं होगी, यहाँ पे सोडियम की भी लीकी चैनल होगी, तो सोडियम की लीकी चैनल के थ्रू क्या होगा, सोडियम जो है ना अंदर आएगा। ठीक है ना, सोडियम क्या होगा, अंदर आएगा, तो डेट मीन्स यहाँ पे कैटायन बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है। लेकिन आपको याद रखना होगा हर सेल के मेम्ब्रेन पे ऑलमोस्ट एक पंप होता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम ATPase। तो देखिए सोडियम पोटेशियम ATPase जो है ना एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू 3 सोडियम को बाहर लेगा, 3 सोडियम को, ठीक है ना, और 2 पोटेशियम को अंदर लेगा।
तो ये जो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है ना, जो सोडियम अंदर आ रहा है वो इसी पंप के थ्रू जो ना यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इससे क्या होगा ओवरऑल कि जो बाहर का चार्ज है वो सारा पॉजिटिव होगा, अंदर का चार्ज क्या होगा नेगेटिव होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसका जो पी सेल का वैल्यू है वो है -60 मिली। अब देखिए होगा क्या, मैंने अभी कहा था आपको जो सोडियम की वीजीआईसी है, जो सोडियम की वीजीआईसी है वो इसी पोटेंशियल पे ओपन होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये अगर यहाँ पे सोडियम वीजीआईसी है, सोडियम वीजीआईसी, देखिए हर किसी वीजीआईसी के दो गेट होते हैं, एक फ्रंट गेट है एक अंदर साइड का है, इसको हम बोलते हैं इनएक्टिवेशन गेट, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन गेट। तो ये सोडियम वीजीआईसी जब यहाँ पे ओपन होगी तो इससे क्या होगा कि सोडियम जो है ना वो अंदर आना स्टार्ट कर लेगा, यानी इस चैनल के थ्रू जो है ना सोडियम अंदर आएगा। जब सोडियम अंदर आएगा तो उससे क्या होगा, अंदर का चार्ज जो है ना वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। तो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा, यानी कुछ चार्ज अंदर की पॉजिटिव होगी, अभी सारी पॉजिटिव नहीं होगी, पूरी पॉजिटिव नहीं होगी, बट कुछ चार्ज अंदर की जो है ना पॉजिटिव होगी और कुछ चार्ज जो बाहर के है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पोटेंशियल है आपका वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी अगर -60 था तो ये -55 तक पहुंचेगा। तो जब ये -55 पे पहुंचेगा तो इस पोटेंशियल पे मैंने आपसे कहा था कि कैल्शियम की वीजीआईसी ओपन होगी, और वो भी कौन सी, टी टी टाइप। और जो टी टाइप कैल्शियम आयन चैनल होते हैं वो स्लो होती है, और उसके थ्रू क्या होगा कि कैल्शियम जो है ना वो अंदर आना स्टार्ट कर लेगा। अब कैल्शियम के आयन्स भी अंदर आ गए, तो जब कैल्शियम के आयन्स अंदर आएंगे तो अंदर का चार्ज जो है ना और पॉजिटिव होने लगेगा, और पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक है ना, बट अभी सारा पॉजिटिव नहीं होगा, और पॉजिटिव होने लगेगा, और बाहर का नेगेटिव चार्ज, बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो और नेगेटिव होने लगेगा, बट अभी सारा नेगेटिव नहीं होगा। और इसका पोटेंशियल जो है ना -40 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगा, और ये जो -40 वोल्ट है दिस इज द थ्रेशहोल्ड, ठीक है। इसके बाद अगर एक भी कैटायन अंदर आ गया, ठीक है ना, दैट विल लेड टू द डिपोलराइजेशन। उससे क्या होगा कि सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा अंदर का चार्ज है ना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि -40 मिलीवोल्ट पे कैल्शियम की वीजीआईसी ओपन होगी, कैल्शियम की वीजीआईसी ओपन होगी, और कौन सी कैल्शियम की वीजीआईसी, इस टाइम एल टाइप ओपन होगी, और जो एल टाइप है वो बहुत ही फास्ट चैनल होती है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा कैल्शियम जो है ना, बहुत सारा कैल्शियम जो है ना अंदर आ जाएगा। तो जब कैल्शियम अंदर आएगा तो उसकी वजह से अंदर का सारा चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर का सारा चार्ज जो है ना वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बाहर का सारा चार्ज जो है ना नेगेटिव हो। इस केस को हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन, जैसे मैं आपको सिखा चुका हूँ डिपोलराइजेशन। और यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना -10 मिलीवोल्ट तक जाएगा। ये जो डिपोलराइजेशन, जब एक सेल डिपोलराइजेशन हो, डिपोलराइज स्टेट में होती है, इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सो नाउ दिस सेल कैन जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, यानी इट इज इन द डिपोलराइज स्टेट। इसके बाद क्या होगा, सॉरी ये +10 होगा, +10 मिलीवोल्ट। अब इस +10 मिलीवोल्ट पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम की वीजीआईसी ओपन होगी, और आपको पता है पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है इनसाइड द सेल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है ना बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। तो जब कैटायन बाहर आएगा, तो बहुत ज्यादा बाहर आएगा, तो अंदर की सारी चार्ज जो है ना वो फिर से नेगेटिव हो जाएगी, और बाहर की सारी चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, बाहर की सारी चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो फिर से -60 मिलीवोल्ट पहुंचेगा, इसको हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। डेट मीन्स ऐसे नोड के केस में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने का सीरीज है वो ये है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60 मिलीवोल्ट, वो पहले -55 तक जाएगा ड्यू टू द स्लो सोडियम वीजीआईसी चैनल्स। ये स्पेशल चैनल्स होती है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ओपन होती है, और इनको फनी सोडियम चैनल्स भी बोलते हैं, फनी सोडियम चैनल्स। और इनसे जो करंट बनता है उसको बोलते हैं फनी सोडियम करंट, उसको हम इससे डिनोट करते हैं INA पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से -55 मिलीवोल्ट पे कैल्शियम की वीजीआईसी ओपन होगी,
और कौन सी टाइप होगी, टी टाइप, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पे जो है ना जो यहाँ पे वोल्टेज है यानी जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -40, दैट्स द थ्रेशोल्ड। और इस -40 पे कैल्शियम की जो है ना एल टाइप ओपन होगी और अल्टीमेटली इट विल लेड टू द डिपोलराइजेशन, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे पोटेशियम की वीजीएसई ओपन होंगे और यहाँ पे क्या होगा, रिपोलराइजेशन। देखो अगर मैं इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करा दूं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से बना देंगे, ठीक है। तो एक साइड से मैं यहाँ पे लूंगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो वैल्यू है हम मिली वोल्ट में लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मान स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज द -60 मिली वोल्ट, तो जो -60 मिली वोल्ट है दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ -55 मिली वोल्ट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -40 मिली वोल्ट, और जो -50 मिली वोल्ट है दैट इज द थ्रेशहोल्ड, दिस इज द थ्रेशहोल्ड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0, और 0 के बाद में यहाँ पे टॉप पे ले रहा हूँ +10 मिली वोल्ट। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, जैसे सबसे पहले जो है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि -60 पे जो सोडियम फानी चैनल से वो ओपन होंगे, क्योंकि वो बहुत ही स्लो है तो इसलिए वो पोटेंशियल को ज्यादा दूर नहीं लेंगे, वो -55 मिली वोल्ट तक लेंगे, दैट मीन्स ये सोडियम वीजीआईसी की वजह से होगा। और यहाँ से -55 मिली वोल्ट से -40 मिली वोल्ट तक कौन लेगा इसको, कैल्शियम वीजीआईसी, और वो भी कौन सी, द टी टाइप, ठीक है। और यहाँ से जो है ना फास्ट कैल्शियम की चैनल्स ओपन होंगी, वो 0 को क्रॉस करके +10 मिली वोल्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से होगा, कैल्शियम वीजीआईसी, लेकिन कौन सी टाइप, एल टाइप, ठीक है। तो दिस इज द डिपोलराइजेशन, ये कौन सी स्टेज है, डिपोलराइजेशन, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये है डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन। अब जो +10 मिली वोल्ट जो है ना, +10 मिली वोल्ट, देखिए +10 मिली वोल्ट जो है ना, इट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर कैल्शियम, यानी इस वोल्टेज पे अब जो कैल्शियम का इक्विलिब्रियम होगा, यानी ना कैल्शियम सेल के अंदर जाएगा ना सेल के बाहर जाएगा, और इस वोल्टेज पे जो है ना पोटेशियम की वीजीआईसी ओपन होगी, और पोटेशियम की जो है ना वीजीआईसी जब ओपन होगी तो पोटेंशियल जो है ना गिरते गिरते जो है ना वापस अपनी स्टेज पे आएगा, दैट्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन, और जो रिपोलराइजेशन है वो है किसकी वजह से, पोटेशियम वीजीआईसी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि जो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यानी जो ये यहाँ पे पोटेंशियल है, हो सकता है कि वो इस लाइन को क्रॉस करे और किसी और वैल्यू पे जाए, यानी और नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली जो है ना वो अपनी जगह वापस आएगा, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस आएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, क्योंकि मैंने आपको कहा था पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा, उसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब वैल्यू जो है ना जो 0 से ऊपर यहाँ पे वैल्यू होता है ना, ये वाला कर्व, इसको हम बोलते हैं ओवरशूट, ओवरशूट, ठीक है ना। और यहाँ से जो ऊपर की तरफ जो है ना वैल्यू, मैंने +10 से अगर हम 0 की तरफ आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अंडरशूट। तो ये दो वैल्यूज हैं, जो 0 से +10 मिली वोल्ट की तरफ जा रहा है दैट इज द ओवरशूट, और जो 10 मिली वोल्ट की तरफ से 0 की तरफ आ रहा है उसको बोलते हैं अंडरशूट, ठीक है। सो ये जो दैट मींस, ये जो पूरा एक साइकिल है जिसमें डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन है, ठीक है ना, दिस होल साइकिल विल टेक 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। तो दैट मींस इसमें जो पूरा टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 0.8 सेकेंड। सो दिस इज हाउ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन केस ऑफ व्हाट, द एसए नोड, ठीक है ना। तो इसी तरह हम देखेंगे कि वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, दैट विल बी सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।